मकर संक्रांति के दिन देश भर में पतंग उड़ाने की काफी पुरानी परंपरा है। खास तौर पर गुजरात में तो पतंगों को लेकर लोगों में खासा उत्साह होता है। पतंग उत्सव के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में रंग बिरंगी तरह तरह की पतंगों से आसमान गुलजार रहता है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जब एक तरफ पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा था और आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी, तो दूसरी तरफ इन पतंगों की डोर कई बेजुबानों को घायल कर गई। गुजरात के वडोदरा में सैकड़ों पक्षी पतंगबाजी के दौरान घायल हो गए, लेकिन इन पक्षियों का मसीहा बनकर सामने आई एक एनजीओ जिसका नाम है जस्ट कॉल सेव एनिमल्स। इन चोटिल पक्षियों को एनजीओ के लोगों द्वारा बचाया गया और यहाँ उनकी देखभाल करते हुए मरहम पट्टी भी की गई ताकि ये बेजुबान वापस आसमान में उड़ान भर सके। लास्ट दो दिन के अंदर हमने 250 से 300 बर्ड को रेस्क्यू किया और उसे ट्रीटमेंट की है, और हमारे कॉल्स दिसंबर महीने के पहले से दिसंबर महीने के स्टार्टिंग से आने के चालू हो गए थे, यानी दिसंबर से लेकर अब तक का दिनों तो 300-400 बर्ड्स हमने रेस्क्यू किए हुए हैं। खास कौन कौन से बर्ड्स आए हैं? खास करके पिजन आता है, फमड़ी आती है, रोड आउल आता है, मतलब पिजन ज्यादा आते हैं। गौरतलब है कि गुजरात में उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मगर इस दौरान जो पतंगबाजी होती है वो हजारों पक्षियों की मौत का कारण बन जाती है। यूं तो पूरे देश में यही हालात है, मगर गुजरात इसमें सबसे आगे है। साथ ही सैकड़ों पक्षी कटकर मर रहे हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी ये मांझा जानलेवा साबित होता है। चाइनीज मांझे पर पाबंदी लगाने के बाद भी पतंग उत्सव में बड़ी संख्या में लोग और पशु पक्षी जख्मी होते हैं। दरअसल मांझे को धार देने के लिए कांच का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार मांझा हवा में पक्षियों की गर्दन से लिपट जाता है और पक्षियों की मौत हो जाती है। मांझा कई बार बिजली के तारों पर बैठे पक्षियों के पैरों पर लिपट कर उन्हें घायल भी कर देता है। पक्षियों की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, इसलिए मांझा लगते ही उनके पंख कट जाते हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम इससे सबक लें और अपनी कुछ घंटों की खुशी के लिए पक्षियों का जीवन ही खत्म ना कर दें। इस बार जब भी आप पतंगबाजी का लुत्फ उठाएं तो बेजुबान पक्षियों की जिंदगी के बारे में भी जरूर सोचें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।